नवरात्रों में जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। 16 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है संकल्प पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। संकल्प पत्र के लिए जनता से मिले हैं 5 लाख सुझाव और इन्हीं सुझावों पर काम करते हुए संकल्प पत्र को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नवरात्रों में ही बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जा सकता है। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, नवरात्रों में जारी किया जा सकता है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि देखिए बीजेपी में शुभ मुहूर्त बहुत देखा जाता है, ऐसे में ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नवरात्रों के शुभ दिन में ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, जारी किया जा सकता है। बिल्कुल स्वाति, बीजेपी का जो घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसको संकल्प पत्र बोलते हैं बीजेपी। और इस बार बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी संकल्प पत्र की करती है, क्योंकि पिछले जो 2 दशक का कार्यकाल है उसमें बीजेपी के मुताबिक जो वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने क्या कहते हैं उस उन वायदों को पूरा किया लगभग, खासतौर से राम मंदिर और 370 के 2 बड़े मुद्दे जो है। अब तीसरे कार्यकाल की तैयारी बीजेपी कर रही है, उसके लिए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र की 2 बैठकें, जो कमेटी बनी है 27 सदस्य, उसकी बैठक हो चुकी है। अब 16 तारीख को ये जारी हो सकता है और इसके लिए 5 लाख सुझाव, क्योंकि बीजेपी ने पूरा सर्वे करवाया था, लोगों से सुझाव मांगे थे और ये 5 लाख के करीब जो है उसमें सुझाव मिले हैं। 2 बैठकें लगातार इसकी हो गई है समिति की। तो ये माना जा रहा है कि जो अब संकल्प पत्र आएगा, वो संकल्प पत्र जो है उसका थीम हो सकता है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी विकसित भारत 2027 तक। बिल्कुल, और जी बिल्कुल कोमल, और देखिए ज्ञान पर फोकस हो सकता है बीजेपी का ये संकल्प पत्र, जहां पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तैयार किया जा सकता है, जो आपने जिक्र किया कि 16 अप्रैल को बीजेपी इसको जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया कोमल तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।